हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम मस्त है। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो अभी हमारा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस हमने ऊपर घर का गोबर फेंकना है, यही काम बचा है अभी हमारा। तो दूध भी हमने पी लिया है, अभी सबका अपना अपना काम चल रहा है। अंजू पीछे सफाई कर रहे। तो अभी आज मेरी मम्मी ने छुट्टियाँ बनाई हैं मस्त सी, तो अभी हम करते हैं अपना काम। तो आज हमने अपने पट्ठियों के लिए यहाँ जगह बनाई है, दिन में वो यहाँ रहेंगे। यहाँ हमने आज साफ़ कर लिया। यहाँ पहले हमारी एक किट्टी रहती थी, हमारी मुर्गी थी वो। अभी हम अपने पट्ठियों को रखेंगे यहाँ दिन में। अभी मस्त सी धूप भी आ गई है, अभी हल्का हल्का कोहरा भी है, और पानी की स्पीड हमारे यहाँ ये है जो बहुत ही कम हो रही है आजकल। दोस्तों अंजू का काम चल रहा है ये घी का। तो दोस्तों अभी हमारा घी रेडी है, मक्खन को पिघला के घी बनता है। तो अंजू का काम यही होता है, ये काम अंजू करते हैं। तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही हमारे घी से। तो दोस्तों अभी इसको ठंडा होने देते हैं, फिर रखेंगे बाल्टी में, और लास्ट में इसमें निकलता है मयोर, जो काफ़ी टेस्टी होता है। उसको मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर घर में। तो अभी ये इसको ठंडा होने देते हैं और करते हैं अपना काम। ये मम्मी लगे हैं अपने काम में, अंजू धूप सेकने के लिए काफ़ी दूर आए हैं। और हमारी पट्ठियों को देखो, बदमाश अभी अब बड़े हो गए, इतनी जगह जा रहे हैं। देखो बोया तो है हमने यहाँ, लेकिन इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डाल पा रहे। आजकल पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत ही कम पानी की स्पीड चल रही है। तो दोस्तों देखो, खेत तो हमने अपने सारे बो लिए हैं यहाँ से वहाँ तक, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। इनमें पानी डालने के बिना सूख गए हैं। देखो इनका कैसा हाल हो रहा है। बस थोड़ा यहाँ पे तो हल्का हल्का पानी रोज जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत ही हो रखा है। और यहाँ पे हमारी लाई पानी इतना कम है कि हम आजकल में डाल नहीं पा रहे। ये वाली क्यारी तो पूरी सूख गई है, ये देखो। और इसमें डाला है अभी मैंने थोड़ा हल्का पानी। और धनिया तो बिल्कुल उग ही नहीं रहा है ज़मीन से ऊपर, पानी की सख्त कमी हो गई है हमारे गाँव में, और हमारे यहाँ तो बहुत ही कम आ रहा है। तो दोस्तों हम तो जो पानी खुलते हैं हमारे यहाँ, उनसे ऐसा अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ पानी ठीक करके जाए, क्योंकि जब भी आते हैं हम उनसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन आजकल हमारे यहाँ तो बहुत ही कम आ रहा, तो पानी ठीक करके जाए भल हमारा भी। तो ये है हमारे नींबू का पेड़। तो देखो आजकल कितने नींबू हो रखे हैं, यहाँ नीचे को लटके हैं हमारे सारे नींबू। ये नींबू अभी तो और बड़े होंगे, अभी अच्छे से पके नहीं हैं। ये देखो हमारे घर के नींबू, देख के ही खाने का मन कर रहा है। अभी एक दिन सानेंगे, परसों साना था हमने नींबू। हाँ दिन में सानने के लिए बेस्ट होता है, तब अच्छी सी धूप भी आती है और खाने में भी मज़ा आता है। और हमारे रौनक सिंह, रोनू देखो, रोनू बोलते ही देखने लगता है, यहाँ पे आराम कर रहे। सुबह आजकल ठंडा होता है तो बाहर नहीं आते, अभी आ गए हैं बड़ी मुश्किल से बाहर। और अभी हम चलते हैं अपने ऊपर घर, गोबर भी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर बाखली का काम क्या क्या चल रहा। दोस्तों अंजू कर रहे हैं मशीन की सफाई, ये है दही मथनी की मशीन। तो अभी अंजू ने इसमें छाफ आनी है, तो अभी इसको साफ़ कर रहे हो। तो पहले तो हाथ से ही छाफ आते थे और ड्रेस से, तो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है तो नई नई टेक्निक आती रहती है। तो पहले हाथ से करते थे, अभी ये मशीन आ गई है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इससे टाइम बच जाता है और जल्दी भी हो जाता है। जितनी हाथ से काफ़ी एनर्जी लगती है, तो इससे उस सब का भी फ़ायदा ठहरा, तो इसलिए ये मशीन लेके आए हम। इसकी सफाई चल रही है अंजू की, और पानी का तो क्या ही कहें हम। ये बाल्टी लगाई है, अभी इसको भरने में कम से कम आधा घंटा लगता है, इतना कम हमारे यहाँ पानी आ रहा, तो हम ये खेतों में कैसे डालेंगे। इनमें तो आजकल पानी डाला, जब से बोए हैं ओनली 2 बार पानी डाला है। और ये हमारे गोभी के पेड़ भी हो रखे हैं, पिछले साल तो हमने काफ़ी गोभी खाई थी घर की, अभी इस बार भी लगाए हैं। और ये किनारे किनारे हैं बाकुल, देखो। तो चलते हैं अपने ऊपर वाले घर। तो दोस्तों इसको तो रोज़ ही भूख लगती है, हम इसको निप्पल से दूध पिलाते हैं,
क्योंकि तीनों के लिए नहीं हो पाता ना, तो ये देखो इसको इतनी भूख लगी है सुबह सुबह। ओले सबसे प्यारी है, जब हुई थी सबसे कमजोर यही हुई थी। ये देखो कैसे हाथ खा रही, बेचारी को भूख लगी है। ओले और उसकी मम्मी बैठ गई है धूप में, और वो देखो हमारे मंकू को अपनी मम्मी को परेशान कर रहा। तो देखो हमारी गीतू कैसे नींद निकाल रही है धूप में। नहीं मेरी आवाज़ सुनी उठ गई ओके। ये है हमारी बाखली और ये हमारा पुराना वाला घर। हमारी चंपा ने ना धूप सेकते हुए गीतू दो यहाँ पे है भी कालू। तो हमारी लाई कितनी अच्छी हो रखी है वाले खेत की। तो अभी मेरी मम्मी का काम चल रहा है, ये भैंस के लिए हम बना रहे हैं चाट जो हम चक्की से पिसवा के लाएंगे। तो हमने इसमें मिलाए हैं गेहूं चावल और भट। तो ये मम्मी पैक कर रहे हैं कट्टे में, जब चक्की जाएंगे तो ये हमारे भैया लेके जाएंगे। आजकल वो दूध देने जाते हैं ना चक्की साइड को ही जाते हैं, तो हमारा कट्टा भी लेके जाएंगे। भैंस इतना खाते हैं तभी तो दूध देते हैं, इनकी पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो हमारी मम्मी का काम। तो दोस्तों कल की थी हमने अपने मिक्सी की सफाई, क्योंकि हमारी मिक्सी का यूज़ सुबह शाम रोज़ होता है। भैंस के लिए इसमें रोज भट पीसते हैं सुबह और शाम, तो इसका यूज़ तो डेली होता है, तो ये काफ़ी गंदी हो जाती है। इसके लिए हमने इसमें पॉलीथीन का कवर लगाया है, इसमें कोई पॉलीथीन फिट ही नहीं आ रही थी, तो हमने इसको उल्टा डाल के ऊपर से ऐसे कट कर दिया। जब मिक्सी पीसते हैं तो इसे खोलते हैं, फिर बाकी टाइम ये बंद रहती है, तो इससे गंदी भी कम रहेगी। और ये है हमारा अच्छा, हमारी मटकी फुल है छा की, तो जिसको पीना है ज़रूर बताना, हमारे भैंस का प्योर छा है। तो अभी चलते हैं अपने काम की ओर, फेंक के आते हैं गोबर। और एक दीदी आ गए हैं लेने के लिए छा, देखो हम देते हैं इनको छा। तो ये छा रही दीदियों को किरण की, टक्कर लगा के दे। तो दीदियों किरण को मैंने दे दी है अच्छा, अभी वो चले बनाएंगे झोई। दोस्तों अब फेंक के आते हैं हम गोबर। तो हम गोबर फेंक के आ गए हैं और मेरी मम्मी बना रहे हैं खाना। आज मम्मी बना रहे हैं भटके डुबके, ये लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं हम। अब इसमें प्याज और धनिया डाल दिए है, इसमें डालेंगे हो गया वैसे। ये डाल दिए हमने भट। ये रही हमारे डुबकी। तो अभी खाना बनेगा और तब तक मैं नहा लेती हूँ और अंजू करेंगे ऊपर घर का काम, पानी भरना, क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत कम आ रहा है, तो ऊपर ताई जी लोग के यहाँ से भरते हैं मादा। तो चलते हैं अपने अपने काम की ओर। तो दोस्तों नहा लिया है मैंने और अभी हम खाएंगे खाना, भटके डुबके फर्स्ट क्लास पहाड़ी लंच, क्योंकि अभी ठंडा भी हो रहा है, मेरे को नहा के इतनी धूप आ गई लेकिन फिर भी ठंडा हो रहा है। तो पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद कपड़े धोएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे सीधे ग्वाला। तो अभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि आपको मिलेंगे बाद में। तो दोस्तों अभी हम खाते हैं खाना, ये रहे हमारे भटके डुबके। अभी एकदम गर्मा गर्म है तो गरम गरम खा लेते हैं। मूली है खाते हैं।
तो दोस्तों नहा धो के खाना भी खा लिया है हमने और कपड़े वगैरह भी धो लिए मैंने, तो अभी चलती हूँ मैं ग्वाला। तो अंजू था पहले गए हैं मेरे कपड़े धोने तक, वो चले गए थे, तो तब तक वो ये बकरियाँ चरा रहे हैं, मैं भी चलती हूँ और लकड़ियाँ भी काटेंगे वहाँ से। दोनों काम आजकल एक साथ हो जा रहा, बकरियों का पेट भी फुल हो जा रहा, तो अभी चलती हूँ मैं ग्वाला की ओर। तो आप भी चलिए हमारे साथ। दोस्तों मम्मी मेरे से कह रही है तो राक्षसी है क्योंकि सबसे पहले हमने नए जो सॉक्स हैं साथ में पहने थे, सबसे पहले वो मेरे फट गए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं वो मेरे से। अभी मैं चलती हूँ ग्वाला, कुछ चीज़ लेके जाती हूँ खाने के लिए। तो दोस्तों मैं लेके जा रही हूँ खिल जो दिवाली के हैं, अभी तक बचे हमारे क्योंकि हम ज़्यादातर नहीं खाते ना, तो आज वहाँ एक अम्मा भी आए हैं तो इसलिए उनके लिए भी लेके जा रही मैं। अब लास्ट में मेरे सॉक्स मम्मी को धोने पड़ रही क्योंकि एक मेरे रह गए थे ना। मम्मी जानो हमें। अरे तो दोस्तों अंजू है यहाँ बकरियों के साथ नींद निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्लास पिरूल की उनको गद्दी मिली है। यहाँ है हमारी बकरियाँ। तो दोस्तों आ गए हैं ग्वाला, अब यहाँ से हम लकड़ियाँ भी बनाएंगे। तो इधर को तो धूप भी नहीं आई है अभी तक, काफ़ी ठंडा हो रहा है इधर, और ये जो पत्थर हैं पानी से गीले हो रखे हैं। तो अभी लकड़ियाँ भी काट लेते हैं और बकरियों को भी चराएंगे, यहाँ इनका अच्छा पेट भर जाता है, तो वो करते हैं अपना काम। तो दोस्तों हमारी लकड़ियाँ हो गई है, एक गुढ़े हम यहाँ पे लगा रहे हैं, अभी इतनी लकड़ियाँ हैं और आधी लकड़ियाँ हमारी वहाँ हैं, वहाँ एक गुढ़े पूरी नहीं होगी तो आधा हम यहाँ से लेके जाएंगे। और हमारी बकरियाँ देखो घर जाने के लिए तैयार हैं, हमसे पहले पहुँच गए लेकिन जा नहीं रहे, बस एक हमारे साथ है गुन्नू हमारा, इसको बहुत भूख लगी अभी तक, तो हम भी लगाते हैं अपनी गढ़े फिर चलते हैं घर को। तो दोस्तों आ गए हैं हम घर ग्वाला से, अभी पिलाते हैं अपने पट्ठियों को दूध। तो दोस्तों आ गए हैं बकरियां घर, अभी मिंटी के बच्चे पी रहे हैं दूध और एक को हमको पिलाना पड़ रहा है भैंस का दूध क्योंकि तीनों के लिए नहीं हो पाता, एक को कम मिलता है ना, इसलिए भैया अभी पहले इसको थोड़ा ये वाला दूध पिलाएंगे फिर इसको मम्मी का दूध भी पिलाएंगे। इसके बेचारों को भूख लगी होगी सुबह से, कैसा कर रहा है वो देखो, बर्बाद दे दिया आधा तो वेस्ट। हाँ तो अब पीना मंजन नहीं करना, देख पी पी। तो दोस्तों अभी हम पीते हैं चाय गुड़ वाली, ये पियेंगे मम्मी और अंजू, अब चाय छोड़नी है। मम्मी चाय पी लिया तुम सेठ। तो दोस्तों चाय पी के अभी चले हम मोह डालने, हमारी मिंटी वहाँ से मैं कर रही, हम जा रहे हैं करके देख रही हमको, तो एक ही डलिया फेंक के आते हैं गोबर। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं अपने काम की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा मोह का ढेर जो हमने अभी थोड़ा कम कर दिया है, यहाँ से लेके जाएंगे हम गोबर, लेकिन ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसके ऊपर हम नया वाला फेंकते रह रहे, पुराना लेके जा रहे। अभी आधा टाइम तो हमको इसमें ही लग जाते हैं, तो पहले भर लेते हैं अपना डलिया। अभी हल्का तो अंजू उठाएंगे ऐसे दीवार के सहारे, दीवार भी कहाँ है गोबर के ऊपर ही रखा है क्योंकि अंजू ऐसे में एक्सपर्ट है ना, तो इसलिए इन्होंने पहले मेरे को उठाया, इनके लिए हमेशा ऐसे ही होता है, ये ऐसे उठाते हैं। चलते हैं अभी। तो दोस्तों देखो हमारे खेतों में इनके गाय बच्चे कैसे उजाड़ खा रहे हैं गेहूँ, और हमारा दैन हो रहा था ये देखो, एक यहाँ है वो तो बीज खेत में गए हमारे, अब अंजू को डलिया के साथ उसको भगाना पड़ रहा। चल आजकल हम अपनी गायों को इधर नहीं खोले लेकिन फिर भी इन्होंने इधर को ही खोले हैं, सारा नुकसान कर देते हैं इनके गाय बच्चे। तो दोस्तों यहाँ आग लगाए ठहरिए गंदगी साफ करने के लिए, जो एक कुमार और एक कांटे हो रखे हैं, बट नीचे नीचे जले हैं, ऊपर ऊपर सब ऐसी हैं ये देखो, और उतना कितना हमारा छूटा है, थोड़ा सा भी जला नहीं है क्योंकि आसपास मिट्टी है ना इसलिए, बट सारे कुमार ऐसी हैं। अभी थोड़ा हम अपनी बकरियों के लिए काटते हैं बोन,
क्योंकि आज सुबह हम नहीं तोड़ के लाए हैं उनके लिए सॉन्ग, तो अभी इसमें से अंदर तोड़ेंगे थोड़ा बून। अभी सूर्य ढलने वाला है, देखो लास्ट। दोस्तों हम डाल के आ गए हैं मोर खेतों में, और अभी काटने जाते हैं भीकू, क्योंकि आज हमको थोड़ा काटने में देरी हो गई है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।